और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को अब वो अडवाणी जाकर क्या लिखे थे जिना की खबर पे, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिख कर आए थे, क्या लिखे थे जिना की खबर पर जाकर पढ़ के सुनाए आपको? उनको ये लोग जाहिल लोग हैं, पढ़ते नहीं है। अडवाणी ने जाकर जिना की तारीफ कर दी। हम यहाँ पर हैं तो जिना के पैगाम को रिजेक्ट किए, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किए, तो यहाँ पर है तो इनको हार अपनी इनको वही लगता है जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है, तो इनको वही लगता है बस वही पुराना कैसे चलाते हैं। आपको उन्होंने कहा कि आप तालिबानी सोच के हैं और आपको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। आपने देखा था कौन जब एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था तो कौन मुल्ला उमर लाके छोड़ा? वैसी लाके छोड़ा। वो जो कौन लेकर गया था यहाँ से टेररिस्ट को, कौन लेकर गए थे? ले जाकर प्लेन में ले जाकर तालिबान के पास ले जाकर छोड़ कर आए। अच्छा, दूसरी बात, भारत की जमीन पर हमारे एम्बेसडर ने वो कौन सा उनका तालिबान का लीडर, नाम भी नहीं याद नहीं आ रहा, उनसे मुलाकात की तो क्या आपने का कबाब खिलाया उनको? नहीं, बिरादर नहीं है, दूसरा है वो। तीसरी बात यह है कि हम डिमांड कर रहे नरेंद्र मोदी से, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डिलिस्ट नहीं करेगा डिलिस्ट, उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरेंद्र मोदी की 7.5 साल सरकार, भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में, फिर ये कैसे आ गया? ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दूसरे सवाल का जवाब है, भाजपा के विधायक पश्चिमी और पूर्वी यूपी में डिफरेंशिएट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में ना तो लड़कियां सुरक्षित थी ना ही भैंस और बैठक। मैडम एक बात सुनिए, क्या एक सांस में आप लड़की को और भैंस को बोलेंगे? ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी कि एक ही सांस में मुख्यमंत्री बोलेगा कि लड़की और भैंस और बैल? इंसान को इंसान के तौर पर देखो ना, सामने सर, सामने ये इनकी मानसिकता है, इनका सर सामने देख, ये इनका माइंड सेट है। माइक तो हमारे छोड़िए, हमारी आवाज तो ये क्या है, एक ही सांस में कह रहे हैं महिला और बैल और भैंस, क्या बात है ये? एक मुख्यमंत्री रहकर आपको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे आप? ये आप लोगों की महिलाओं के लिए ये इज्जत है आपकी? बिल्कुल गलत है, इसको हम इनके इस तरह के बयान को बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। हरिभूषण बच्चों